हेलो फ्रेंड, मैं प्रोजेक्ट दिखाने से पहले कुछ दिखा रहा हूँ। जिस भाई ने जो कर रहा है, मेरा सारे प्रोजेक्ट कॉपी करके अपनी चैनल पे डाला। मैंने उसको एक बार बोला तो वो सुन नहीं रहा। तो आप देखो, बोलते हैं सब कॉपीराइट नहीं डाला जाता। जब कोई बंदा 20 घंटा 30 घंटा करके प्रोजेक्ट बनाता, आप सीधा उठाए उसका वीडियो और अपनी फ़ोटो लगा के चेंज कर लगा। जैसे ये लगाया, देखो, हाय दिल मेरा दिल, ये वाला सॉन्ग लगाया। पहले तो छम्मा छम्मा वाला जो मैंने डाला, मेरे साथ साथ डाल लिया। उसका बाद काफ़ी सारा मेरा प्रोजेक्ट यूज किया। मैंने उसको कमेंट करके भी बताया तो उसको सीधी तरफ से समझ में नहीं आता। लेकिन मैं एक कॉपीराइट डालूंगा, तीन डालूंगा तो सीधा उसका चैनल ही बंद हो जाएगा। ठीक है, उसने काफ़ी किया। मैंने दिखा रहा, ये वाला देखो प्रोजेक्ट किया मैंने जितना देखा था। ये भी मेरा प्रोजेक्ट है, कॉपी किया। ये भी मेरा कॉपी किया। चार देख रहे हो ना आप? तो इसको मैं सही तरफ से बोला तो समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं इतना एक बार समझाता हूँ, अगर समझ में आया सही है। क्योंकि मैं 30 घंटा लगा के प्रोजेक्ट बनाऊंगा और आप लोग के बस दो वीडियो आप चेंज करके लगा दोगे अपने चैनल पे, तो वही तो भाई मैं नहीं होने दूंगा। ये भी शायद मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। ये सारे उसका जितना वीडियो है सारे मतलब कॉपी करता है दूसरे का, फिर लगाता है। जब ट्रांजेक्शन मेरा है, मैं किसी कॉपीराइट नहीं क्लैम्प होता, मैं देखता हूँ इसको। फिर से उसको मना किया, फिर भी एक सॉन्ग डाल दिया। ये वाला देखो, हाय दिल वाला सॉन्ग। ये डाला भी एक बंगाली भाई का प्रोजेक्ट, इसको मैं नाम ले रहा हूँ। सारे उसका कितना कॉपी करता, कैसे कॉपीराइट नहीं होता। मैं दिखाता हूँ इसको कैसे कॉपीराइट नहीं होता। मैं कल दिखाऊंगा पूरा डायरेक्ट, उसका स्क्रीन रिकॉर्ड भी करूंगा, दिखा भी दूंगा जो कैसे कॉपीराइट किया है। तो जिसको पता नहीं भाई, आप 30 घंटा करके इतना मेहनत करोगे और कोई आके सीधा उठाया और वीडियो चेंज करके लगा देगा, ये तो भाई मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। भाई जिसको सही लगे सही है और जिसको गलत लगे गलत है। पर ऐसे तो मैं भाई अनलीगल है पूरा। वो जो कर रहा हरकत मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। और आप भी जरूर का बताओ कमेंट पे उसको, थोड़ा से मेरे को बताओ मैं सही हूँ या गलत हूँ। भाई मैं बहुत टाइम लगाता हूँ, मैं जॉब पे इतना देर लगाने के बाद रात को 10 बजे तक तो घर पहुँचने में टाइम लग जाता है, इतना ट्रैफिक होता। उसका बाद मैं 1 बजे तक तो काम करूँगा, फिर दोपहर में 1-2 घंटा काम करूँगा हर रोज़। फिर आप लोग के डायरेक्ट लगा दोगे वीडियो, ऐसे तो नहीं होता ना भाई, ये पूरा गलत है। आपको समझाया, आप तो भी समझ नहीं रहे हो। फिर बोलना नहीं जो मेरे चैनल पे कॉपीराइट, क्योंकि मैं नहीं हटने वाला हूँ भाई पीछे। एक बार मैं कॉपीराइट लगाऊंगा तो आप जितना भी जो करो, मैं स्ट्राइक नहीं हटाऊंगा और मैं स्ट्राइक ही लगाऊंगा। फिर तीन तीन स्ट्राइक नहीं लगाऊंगा तो एक साथ सारा चैनल पूरा आपका बंद हो जाएगा। बैकग्राउंड मेरा नहीं है सही, लेकिन ट्रांजेक्शन तो मेरा है ना। ट्रांजेक्शन का तो मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ यूट्यूब के पास, जितना मास्किंग किया हुआ मेरा है। काम तो मेरा है, 30 घंटा लगता है एक प्रोजेक्ट बनाने में और आप सीधा उठाया लगा दिया, ऐसे थोड़ी होता। चलो इसको तो मैं देखता हूँ, इसको समझा तो समझ में नहीं आ रहा, पर प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ। और इस प्रोजेक्ट का लिंक मैंने एक दूसरी वीडियो पर दूंगा, वो वीडियो भी अच्छी है। तो अब एक बार चैनल मेरा डाउन हुआ था तो अब मैंने उसको थोड़ा से नहीं कर पाया। तो उस वीडियो अगर अच्छी लगे, वो वीडियो भी आप कर सकते हो। डीजे मेरा गाना बजा दे, ऐसे कुछ सॉन्ग था। जैसे मेरे को तो समझ नहीं आया, मैं जैसे छम्मा छम्मा वाला ये सॉन्ग है जो आँख मारे वाला गाना, जैसे मैं डाला उसका, आप तो बोलते ये नहीं मिलता, पासवर्ड नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। पासवर्ड भाई वीडियो में होता, आप देख तो देखोगे नहीं। अगर ऑफलाइन देखोगे तो पासवर्ड नहीं आएगा ना, क्योंकि आप इसके पेड़ का तो कलर चेंज होता, नहीं होता ये पासवर्ड। आप ऑनलाइन भी देखते नहीं। और वो देखो, देखने वाला बंदा 6 घंटा भी लगाया नहीं, उठा के वीडियो चेंज करके एक्सपोर्ट करके दोबारा अपने चैनल पर डाल दिया। तो वो वाला वीडियो डिलीट करते हैं, लेकिन इसका मैं अभी दिखाता हूँ, रिपोर्ट करता हूँ। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट अपलोड करूँगा, पहले मेरे को थोड़ा नेट चाहिए होगा प्रोजेक्ट में थोड़ा सा। इसके बाद में अपलोड करूँगा, पर वीडियो अपलोड कर दिया पहले, उसका मैं एक बार रिपोर्ट करता हूँ उसका कितना है। जितना सारे है सारे देख रहा हूँ तो कॉपी किया हुआ दूसरे का, एक भी खुद का नहीं। मैं बना नहीं सकता, क्यों करते हो ये सब काम? चलो शुरू करते हैं। मैं देख के तो मेरा दिमाग गर्म हो गया। उसको मैंने बोला जो इतना क्यों कर रहे हो कॉपी, एक एक दो वर्ड को ही कॉपी नहीं करता, आप पूरे के पूरे प्रोजेक्ट उठा के डाल रहे हो दूसरे का। कोई बंदा काम करने का इसलिए नहीं करता ना, प्रोजेक्ट कोई नहीं छोड़ता इतना। सब बेचने का जो करते तरीका सही है, क्योंकि जो मेहनत कर रहा कितना सोचता सोचना पड़ता है एक प्रोजेक्ट के लिए।
आप और उठाया और लगा दिया, बस काम हो गया। एक के लिए कितना बैकग्राउंड ढूंढना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है, सीक्वेंस कितना क्रिएट करना पड़ता, और आप उठाया और लगा कर लगा दिया। जब एक एक करोगे ना चीज़, तब पता चलता है कितना टाइम लगता है करने में प्रोजेक्ट। भाई मैं कॉपीराइट लगाऊंगा, आपको लागे सही गलत। अब मैंने आपको सारे वीडियो पे कमेंट करके बताया, तो आप फिर भी अपलोड करते जा रहे हो। मैं क्या बताऊँ, ये सब बंदे का चक्कर में जाए, एक एक बार में समझ में नहीं आता, कितना बार इसको समझाए। और मैं तो भूल ही गया इसका चक्कर में। इसमें एक वीडियो आपको भाई नहीं मिलेगा, क्योंकि 600 MB का है इसमें, क्या उसके बारे में बात करते करते शायद तो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया। हाँ इसका मैंने करूँगा, ये जो वीडियो है आपको नहीं मिलेगा। ये 600 MB से ऊपर हुआ, ये कैसे बनाया, मैंने कौन सा ट्रांजेक्शन लिया, इस थोड़ा से सेटिंग करना पड़ा, तभी जाकर थोड़ा कलर बेटर आया। अल्लाह मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो 601 MB का एक ही 3 सेकंड का वीडियो बना। इसको मैंने सारे जितना प्रोजेक्ट था सारे में कौन कर, भाई क्या कर रहे हो, तभी उसको समझ में नहीं आ रहा। ये देखो इसका जो लुक है ना, थोड़ा से काला रहा हुआ चेंज, कैसे वाइट के साथ साथ ये थोड़ा से काम करना पड़े। ये मैंने और एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो पे नहीं हो पाएगा, स्लो हो गया, पता नहीं हैंग हुआ क्यों, छम्मा छम्मा। ये मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट ऑटोमेटिक घूमा, कहीं कहीं पे बस थोड़ा सा छोटा बड़ा किया, और उसका टाइम इफेक्ट, टाइम इफेक्ट के साथ थोड़ा छेड़खानी किया, और कुछ नहीं किया। ये थोड़ा सा मेरा सिस्टम हैंग हो गया शायद लग रहा, क्योंकि नेट वगैरह सारे कुछ खोल के रखा ना इसका चक्कर में। इसको तो मैं अभी देखता हूँ, सीधी तरफ से बात समझ में नहीं आ रहा, उसको जितना बार समझाओ। भाई अभी देख रहे यूट्यूब का इतना पॉलिसी है, आप किसी का कॉपी नहीं कर सकते हो, और आप तो पूरा करते ही रहो। एक बार समझाया तो अभी समझ में नहीं आया, तो इसको क्या करें। ये वाला जो है डिजाइन कैसे आया ऑटोमेटिक, 2-3 21 के साथ छिड़खानी किया, बस आ गया। मैं इसका और एक दूसरा वीडियो बनाया था ये वाला चीज़ का, क्योंकि इतना MB तो है कर नहीं सकते कुछ। चलो तो वीडियो में दिखा रहा था आपको प्रोजेक्ट, कहाँ तो गया था, बीच में तो गया था, मैंने जो बताया भी नहीं कहाँ पे क्या चेंजेस किया, कुछ मैं भूल ही गया सारे कुछ। इसका तो हरकत देख भाई, हाथ होता है यार, एक प्रोजेक्ट कॉपी किया कुछ नहीं कही बोलता, आप सारे के सारे उसका उठा रहे हो और अपने डालते जा रहे हो, वीडियो बस चेंज किया। एक बना प्रोजेक्ट तब पता चलेगा किसे मेहनत लगता है, कितना टाइम लगता है। मेरे को तो लग रहा है ये सब करके कोई क्या फायदा किया यार, कोई एक काम करेगा और कोई और एक लेके जाएगा उठा के सीधा। और कॉपीराइट भाई एक बार अभी लाएगा ना, कोई कुछ नहीं कर सकता अभी। और यूट्यूब को भी पता है कौन सा काम सही है, और मेरा सारे सारे कुछ वीडियो देखोगे एडुकेशन काट रहे सिलेक्ट किया हुआ, तो एडुकेशन के लिए आप 15 सेकंड किसी का वीडियो यूज कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने जितना करता हूँ 15 सेकंड से ज़्यादा कोई कुछ नहीं करता हूँ, और बैकग्राउंड थोड़ा बहुत यूज करता हूँ, PNG भी थोड़ा बहुत, खुद का भी ज़्यादा मैंने लेके आता हूँ टीचर से अपने, मैं जहाँ पे बेसिक किया, और उसको भी अच्छा खासा खर्चा देना पड़ता है PNG के लिए। इसका ट्यूटोरियल मैंने दिखाया था कैसे बना, एक भाई ने बोला था कैसे क्यूब वाला बनाते हैं, अरे लास्ट में मैंने एक कुछ डाल दिया था इफेक्ट से कुछ।
अब इसमें से एक चीज़ आप कर सकते हो, जो मैंने नीचे डाला वीडियो, एक फोटोस डाल दिया, कहाँ पे गया वो वाला भी, मैंने इतना सही से इसको समझाऊंगा सोचा था, उसका चक्कर में सारे कुछ भूल गया। यहाँ पे आ रहा, अच्छा ये जो है, यहाँ पे जो, यहाँ पे मैंने खाली रखा था, कुछ डाला नहीं था। इसका बाद में आएगा, इस लड़की का बाद आएगा। ये जो सिस्टम आ रहा था, जो इसमें बैकग्राउंड का प्रॉब्लम, ये अगर ब्लैक वीडियो या कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, ये वाला सीन पे, इसमें ये वाला बैकग्राउंड आ रहा, जो मैंने एक फोटेज डाला था, दिखाता हूँ आपको। एक बनाने में कितना टाइम लगता है उसको तो क्या बताऊँ यार, इसमें तो गाली देने का भी मूड होता, लेकिन यूट्यूब पे तो कर नहीं सकते। ये जो डाला मैंने एक नंबर पे एक फुटेज, इसको आप हटा के अगर कुछ भी वीडियो आपके पास या लंबे वीडियो डाल दो तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड सेम हो रहा दोनों, आपको दिखाता हूँ। और एक बार इधर, यहाँ पे जो है ना बैकग्राउंड के साथ ये भी ग्रीन हो रहा, तो इसमें भी, इसमें भी जितना सारे है कुछ ग्रीन बना हुआ, मतलब दिखा, मैंने एक सीक्वेंस का ऊपर इसको ट्रैक में यूज किया इफेक्ट्स, तो इसीलिए ये वाला थोड़ा दिखा, इस मैं वाला सीक्वेंस आपको दिखाता हूँ। अरे भाई वीडियो देखो, आपको सारे कुछ मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में पासवर्ड प्लीज मत लिखा करो यार। सीक्वेंस 47, ये वाला जो है छम्मा छम्मा जो वर्ड लिखा मैंने, एक सीक्वेंस का ऊपर लिखा हुआ बस, उसके बाद इसको ट्रैक में यूज किया और कुछ नहीं किया। इसका अगर बंद करेंगे तो ये दिखेगा आपको, जो वीडियो है इसका, ये वीडियो, और इसमें ट्रैक में यूज किया, तो इसलिए इसको वाइट वाला जितना पोजिशन था काट कर लिया, और इसमें कुछ इतना खास कुछ नहीं है। और इसका थोड़ा से दिख रहा अच्छा था कि इसमें थोड़ा सा शाइनिंग ज़्यादा आया, जो मैं एक और एक वीडियो कर लेता हूँ इसके लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बस चेंजिंग करने में, तो इसलिए इससे बहुत सारे को पता होगा, मैंने दिखाया, इसका सॉफ्टवेयर भी दिया था। और इसमें कुछ खास है नहीं यार, बोलने के बाद मूड नहीं है इसका, हरकत देख के तो और कोई किसी का बंदा का दिमाग घूम हो जाएगा, एक कोई काम करेगा इतना देर, आप सीधा उठाया और लगा लिया। और एक यहाँ पे भी आप अगर इसको हटा दोगे जो बैकग्राउंड को, तो इस लड़की का जो क्या बोलते हैं यार इसको, पायल बोलते हैं ना, कुछ ऐसे बोलते हैं जो वो, मतलब और उसका पायल भी अच्छी तरफ से दिखेगा सही से। इसका मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कैसे लुक दिखेगा, 2 मिनट 28 सेकंड पे। मास्टर पे चलते हैं, उसका हरकत तो देखो, मतलब एक नहीं दो नहीं तीन चार करे, मतलब सारे प्रोजेक्ट कॉपी कर रहा है, मतलब क्या करेगा भाई कॉपी करके, मेरे को तो कुछ, कोई एक बारी में सारे को मार देगा ना पूरा, तो सारे का सारे चला जाएगा, पूरा मेहनत बेकार में, इतना दिन में जो कितना था यार, 2:28, इतना मेहनत करके चैनल बनाया, एक ही बार में पूरा एकदम क्लीन बोल्ड हो जाएगा। करते क्यों ऐसी काम, अगर चैनल क्यों खोलते हैं, अगर काम नहीं करना है तो दूसरे का यूज करना है, मत खोलो। अगर मैं इस पे तो आ गया, मैं अगर इस फोटेज को बंद करूंगा तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा।
यहाँ पे फोटेज की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब काफ़ी जगह पे इस फोटेज को अगर बंद भी रखोगे बेटर होगा, इसका थोड़ा से और कलर बेटर होगा। थोड़ा जूम करता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ सही से। एक प्रोजेक्ट के लिए कितना प्लान करना पड़ता है, कितना सोचना पड़ता है, उसको पता ही नहीं यार। उठाया बस कॉपी कर दिया, काम हो गया जयराम जी की। इसका फुटेज नहीं लगाओ तो ही बेटर है। नीचे कुछ या कुछ लगाना है नीचे तो मेरे हिसाब से तो बेटर लगेगा नहीं लगाओगे तो। मैंने लास्ट में डाला इसको, मैंने प्रोजेक्ट बनाने के बाद मैं हर प्रोजेक्ट में एक कुछ डाल देता हूँ, अगर बाई चांस कुछ कहीं जगह पे गैप रह गया, कुछ मिसिंग रह गया तो उस जगह पे ब्लैक ना हो गया, कुछ कवर हो जाएगा, बस लगाने का रीजन नहीं होता। मैं हमेशा प्रोजेक्ट में एक दो टाइमलाइन छोड़ के रखता हूँ ताकि काफ़ी टाइम होता है जरूरत होता नीचे से तो प्रॉब्लम नहीं होता ना, इसलिए। बस बहुत हो गया आज के लिए भी, हैंग भी हो गया, बंद कैसे करूँ, इतना मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया यार बकवास करते करते उसकी। आज भाई मैं तेरे को भी देखता हूँ कैसे कॉपीराइट नहीं आता, एक मेरा बंद होगा ना तो एक तेरा बंद होगा। मेरे को बंद होगा मेरा कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे जॉब अच्छी है, वहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं और दिमाग लगाऊंगा मेरे सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इससे तो मेरा बढ़ते रहता हमेशा। पर ऐसे हरकत करेगा तो कोई नहीं काम करेगा भाई यूट्यूब पे।